इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता श्रीमती रतनमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा श्रीमती प्रीति जैन श्री सुरेंद्र जैन श्रीमती रिया जैन श्री सिद्धांत जैन पौत्री दामाद श्रीमती सलोनी श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी श्रीमती मोनिका जैन श्री अजीत जैन आयुषी अर्नव श्रीमती रितिका जैन श्री विनीत जैन विवान देवर्ष पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल श्री सुधीर जी चूड़ीवाल दोहित्र ऋषित हार्दिक फर्म इंदिरा लॉजीज वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम कंप्यूटर विजन वर्क वितरण घर गुवाहाटी नवकार www.navkargroup.in एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता पश्चिम बंगाल आज जिन्हें शांति धारा का प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण लाभ मिला है ऐसे इस शिविर के मुख्य पुण्यार्जक कंवर लाल जी पाटनी कंवर लाल जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से कंवर लाल जी अशोक जी सुशीला जी सुरेश शांता जी विमल तारिका विनीता सुचि विकास श्रद्धा विवेक ऋषभ आदि विवान अरहन वान्या वंश अरहन पाटनी विकास जैन इंदौर किशनगढ़ और श्रीमती नीलम कमल सोगानी जयपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के पुनर्जग रमेश प्रभा नरेश कल्पना प्रियंक शालिनी गौरव पारुल डॉक्टर दीपक निकिता अखिलेश प्रीति अमृता निकुंज सविता ईशान द्वित रेयांश आरवी अंचित पिया निर्वाणा परिवार मुख्य संयोजक इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चातुर्वास के मुख्य यजमान श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंदनवाला विजय ममता संजय ज्योति प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका अभिरचना प्रणय अस्मिता दीपांशु सिमरन रीतिका हितेश विभोर लवीन लवीना ध्रुवी वाणी पाटोदी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के श्रोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी विजय रश्मि नैतिक सरावगी परिवार कोलकाता इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जिनका आज जन्मदिन है गुणायतन श्रोमणि संरक्षक श्रीमान मोहित कुमार कैलाश चंद श्रीमती निर्मला श्रीमती प्रियंका मंत्र राकेश एकता श्वेता मयंक जैन कानपुर कत्था वाला परिवार और गुणायतन के श्रोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी पदम कुमार पारस श्रीमती अनीता रश्मि पूनम प्रिंसी बासा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रविंद्र जी ऋतिक जी राहुल हितार्थ जैन राहुल IAS उदयपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विमल मंजू बितुल प्रीति रितुल स्वाति अजमेरा परिवार गुणायतन दृष्टि इंदौर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रूपचंद जी कमला देवी राजेश अर्चना दिनेश रेखा नरेश प्रियंका दिवेश दिशा तन्वी गंगवाल मुंबई गुणायतन शिरोमणि संरक्षक इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रविंद्र जैन राहुल जैन रसिक हितार्थ साधना रूही सुहानी सुरुचि कमिश्नर उदयपुर आरुण वाले अच्छा इनका दोबारा आ गया इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांति देवी दिनेश कुमार सुनील कुमार श्रेयांश मितांश कुमार पाटोदी परिवार टोंक राजस्थान इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नेहा अनूप बड़जात्या निधि ध्रुव जैन आदिश आर्या तीर्थेश विनोद किरण दोषी परिवार इंदौर इनके परिवार में गुणायतन दृष्टि इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती स्वर्णलता लुहाड़िया सुमन जी हेमा लुहाड़िया सोहित अलक बोनिल कीर्ति मोहित मानस दिव्यानी मनस्वी
परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रेणिक साहू प्रियंक प्रेरक सैनिक शाह प्रेरक शाह सपना बिहोर निधि दिव्या अहमदाबाद गुरैत दृष्टि इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेंद्र नवनीत कुशाग्रा मीना रूपिका बाकलीवाल श्रीमती चंद्रकला पाटनी चंद्रावती देवी चंद्रकला पाटनी रांची सूरत इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नथमल जी शांतिलाल अशोक कुमार बबीता देवी अभिषेक पूजा देवी पायल अरहम सेठी परिवार कुकन वाली राजस्थान इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रवि जैन सुषमा निखिल रितिका निर्वाण रियाना प्राची शशांक निया अक्षय दिशा तारिणी विवेक रश्मि रवि जैन गाजियाबाद गुणायतन दृष्टि इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि मुकेश जैन आगरा मुंबई वाले राजकुमार नंद कुमार जैन मीरा तारा भवन गुणायतन इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय चांदवाड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर गर्भस्थ शिशु रक्षा श्रीमती सीमा जम्बू हुकुम चंद संजय शिखा भरते सोनी चांद खेड़ी इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुभाष आचुकी अशोक रंजू विनीत नेहा अरिहंत प्रियंका विवेक किटी कुणाल ट्वीन तीर्थ नोलन घूमि अनुभवी छाबड़ा परिवार पटना इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनंत चतुर्दशी दिवस पूर्णमासी के अवसर पर जिनेश अनिल शाह भाईंदर महाराष्ट्र को आज जन्मदिन उनके परिवार में क्या लिखते इतना सब लंबा सबका क्या करना चलिए इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की भावना की गई है। कृति आस्था जैन दिल्ली इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कल्पना जैन मुंबई इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। परी सुपुत्री प्रतीश जैन यूनिक एजेंसी इनके जन्मदिवस के अवसर इनके सुख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। राजकुमार बलैया पथरिया इन्हें सिख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती जयंती जैन गैसाबाद इन्हें सिख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। गगन जैन स्वाति आनवी जैन सिख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। गुलशन जैन सरिता जैन आदिश जैन सिख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती किरण बांझल इंदौर अभिनव बजाज कटंगी इन्हें सिख स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। मुकेश भैया अशोक रवि श्रीमती ममिता अंशु जैन अशोकनगर शांति कुमार बारा भूपेंद्र कुमार गोधा खरगोन ममता सेठ इन्हें सिख स्वास्थ्य लाभ हो। पद्मा देवी जैन पन्नालाल जैन जयपुर सुदेश सिद्धार्थ शोभा ईसा जैन सिवनी संजीव मनीषा सिंघई महेंद्र ईशान सिंघई सारिका संजीव सिंघई इन्हें सिख स्वास्थ्य लाभ। राजीव पांड्या प्रपोत्र राजीव पांड्या के पौत्र राया पांड्या प्रपौत्र श्रीमती आशा रानी पांड्या इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती पुष्पा मलैया आशीष मलैया गढ़ाकोटा इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। पुरुषोत्तम जैन दमो इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। और कंवर लाल जी पाटनी आर के मार्बल इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। अनिल जी दुर्गापुर और श्वेता जैन यूएसए इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती राजकुमारी शराब भोपाल इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। विमला देवी श्रीमंत परिवार इंदौर इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। 16 उपवास 10 उपवास 5 उपवास और जितने भी रत्नत्रय के व्रतधारी है इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। एलोरा गुरुकुल के विद्यार्थी गणों में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक मोहित कुमार कानपुर इन्होंने 10 उपवास किए हैं इनकी निर्बाध आराधना हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चातुर्मास के सभी 9 रत्नों के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शिविर में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थियों के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस शिविर में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र कुमार चमेली देवी गया गंगवाल इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो।
जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। अशोक जी वहां जाओ ना योगेंद्र जी के साथ, यहीं ठीक ठीक अशोक जी, हाँ ठीक ठीक आप ठीक 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 ठीक। ओम नमः सिते पर श्री वीतरागाय नमः, ओम ह्रीम नमो अहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबशाहूनम चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केयूलीपनत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अनंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केयूलीपनत्तो धम्म लोगोत्तमो चत्तारी शरण बोध्यामि हृदय शरण बोध्यामि सिद्धे शरण बोध्यामि साहु शरण बोध्यामि केयूलीपनत्तम धम्मम शरण बोध्यामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते पचिनाशे दुष्कर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नम श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्पकृचितोपद्रव विनाशनाय सर्वछाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुंपट घटिम घटिम घाते घाते परिघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्राण भिन्न भिन्न छय छय वह रुम्पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्यावसा नाद विद्याय रमो अरिहंतानम रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अह राम श्री ह्रीं आहुरुम ऊ रौम साहर जगदात विनाशना ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सरसत प्रातिहार मणिता अशोक सरसत प्रातिहार सुवर्ण पदब्दाय हम लोअर बिम विजय सरोदो शांति कराय नम सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पि सत्प्रातिहार सोन दब्दाय हम लोअर बिम विजय सरोदो शांति कराय नम सर शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिवधनि सत्प्रातिहार मृताय दिवधनि सत्प्रातिहार सोन दब्दाय हम लोअर बिम विजय सरोदो शांति कराय नम सर शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामोत्तोलन सत प्रातिहार मृताय चामोत्तोलन सत प्रातिहार सोन दब्दाय रमलो अरबिम विजय सरोदो शांति कराय नम सर शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन दब्दाय गमलो अरबिम विजय सरोदो शांति कराय नम सर शांति। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मृताय भामंडल सत प्रातिहार सोन दब्दाय झमलो अरबिम विजय सरोदो शांति कराय नम शांतिनाथाय बीजाष्टमन मणिताय सर्वघ्न शांति कराय नम सर शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम सर्व शांति अरहम नमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु सर्व शांति भवतु। बोलो सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुशारिनम ओम ह्रीम अरहम नमो संभिन सुधारानम ओम ह्रीम अरहम नमो संयम बुद्धानम ओम ह्रीम अरहम नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीम अरहम नमो ओजु मदीनम ओम ह्रीम अरहम नमो बिवुल मदीनम ओम ह्रीम अरहम नमो दशपुबीनम ओम ह्रीम अरहम नमो चौदशपुबीनम ओम ह्रीम अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीम अरहम नमो बनिधि पत्तानम ओम ह्रीम अरहम नमो विज्जहरानम ओम ह्रीम अरहम नमो चारणानम ओम ह्रीम अरहम नमो पन्न समनानम ओम ह्रीम अरहम नमो आकाश गामिनम ओम ह्रीम अरहम नमो आश विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो डिठ विशानम ओम ह्रीम अरहम नमो उग तवानम ओम ह्रीम अरहम नमो दित्त तवानम ओम ह्रीम अरहम नमो तत्त भाव सहित बंधो निश्री
हे बलवत नमकति में गाय आठ कोड़ी मुन और श्री गज पंत से कंस विशाल तिनके चरण नमोत काल कामे हणो सो ग्रीव सुनी गव गाये निमारे कोड़ी निन्यानवे मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो नरिनान धन्य अनंत कुमार सुजान पांच कोड़ी अरु अर्थ प्रमाण और मैं ओम मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी श्रीमती बिमला जी देवी परिवार के आलोक जी और साथ में श्रीमती आशा रानी जी पांड्या ये भी आ जाएं प्लीज आइए आकाश नंगे कुमार सुजान पांच कोड़ी अर्थ प्रमाण मुक्ति गए सोना किसी देवनंदनी रावण के सुत आदि कुमार कोटि पंच अरु लाख पचास हो रे वाले कोष्ठ पश्चिम दिशा दे जय चोर जो चक्री दस काम कमार फुट कोड़ी बंदो भोपाल बड़वानी बड़ नयन सुचंड दक्षिण दिश गिरि चूल उतंड मुनि चार पावा गिर वर्ष कर मजार चिन्ना नदी तीरे के पास मुक्ति गए बंदो नित काल बल होड़ी बड़गाम अनुप पश्चिम दिशा द्रोण गिरी रूप गुरु दत्तादि मुनि सुरजा मुट्ठी जय बंदो निता बाल महाबाले मुन दोई नाग कुमार विले त्रोय श्री अष्टापद मुक्ति वजार ते वंदो नित सुरत सवार अचलापुर की दिशा ईशान तामेड गिरि नाम प्रदान साढ़े तीन कोड़ी मुनि राय ओ वंश स्थल वन की डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिर सोय फुल वोषण दिश भूषण नाम तिनके चरण कणो प्रणाम दशरथ राजा के सुचय देश चलि पांच सोलय कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण हो समो शरण सी पौष जिरंद रेशम दीगे नयनानंद मन दत्तादि पंच ऋषिराज हे वंदो नित धर्म जहाज मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल हो तीन लोक के तीरथ यहाँ नित प्रतिबंधन की जेता मन वच काय सहित सिर लाय बंदन करे भविक गुण गाय संवत सत्र सोई किताल आजीवन सुधि दशमी सुविशाल करहि निकाल जय निर्वाण काल गुण माल जय निर्वाण काल सभी लोग आंख बंद कर ले और हम लोग चंपापुर जाके और चंपापुर जाकर बासुभुज भगवान के चरणों में वहाँ लाडू अर्पित करेंगे आंखें बंद कर ले और चंपापुर पहुँच जाएं ओम ह्रीम चंपापुर नगर्याम मास पर्यंत योग निरोध पूर्वक मोक्ष मंगल मंगल मंडिताय श्री बासुभुज नेन्द्राय नमः आभार बोलो आवाज बोलो बाबू शुक्ल चतुर्दशी आई उड़ू विसाट शिव लक्ष्मी पाई 607 मुनि राई कर्म कष्ट नष्ट कर मुक्ति पाई चंपापुर निर्वाण धाम जा हुए पांच कल्याण जय जय वासुदेव भगवान जय जय तीर्थंकर भगवान इंद्र नरेंद्र सुरों से पूज वासुपूज मेरे भगवान विष्णु विजेता विश्व विभूति गिरवर महिमा महामान महिष चिन्ह युद्ध पद कमलों को जो मन मंदिर में धारे उच्च पदों की परम कृपा से भक्त स्वयं निज को तारे के धारी स्वामी जन्म समेत दे बलवान बस दे पे तो मां बजिया ने दिया सभी को अनुपम दान प्रभु आपका जन्म जान कर आनंदित
सुत सुर नर सारे ऐरावत गले कर आए लाए बाद अंतकारे नील प्रक्षारे नगर की खिलाड़ी जिन ग्रह आई निद्राली निकिया माता को मन में हर्ष तो हो आई प्रथम किए शिशु के दर्शन सूरज जैसा अतिशाई सौंप दिया कर में प्रभु जी को इंद्र अचंभित था भारी ओ सहित नयन से निरख निरखर वीर सुदर्शन नवन किया इंद्राणी ने वस्त्र में शुक्ल शुभ ध्यान के द्वारा मोक्ष मेरे संदेश दिया श्रावक मुनि व्रत को दर्शाया शिक्षा विधि भी बदला दी शासक दिन वर के मुख्य आर्या वर्धना दी हो धन जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण हुए चंपापुर में धन्य धन्य चंपापुर नगरी धन्य धरा इस भूतल में दिन वर मैं शिव पद पाऊं यही भावना है स्वामी पूर्ण करो मेरी अभिलाष वाच पूज त्रिभुवन नामी हो प्रभु कृपा से प्राप्त हो परम आत्म कल्याण जी के माला चरण धरो भेजन पूज महान भादो शुक्ल चतुर्दशी आई उड़ु विशा शिव लक्ष्मी पाई सो एक साथ मुनि राई कर्म नष्ट कर मुनि पाई चंपापुर निर्वाण धाम जा हुए पांच कल्याण जय जय वासुदेव भगवान जय जय तीर्थंकर भगवान। चलिए लाडू आपके हाथ में है और हम सब चलते हैं महाराज श्री जी साथ में उस चंपापुर की पावन धरा पर जहां पांचों कल्याण वासु पूज्य भगवान के हुए ऐसी उस चंपापुर की पावन धरा पर जहां उन्होंने योग निरोध कर अपने निजत्व को प्राप्त किया गुरुवर के साथ अपन सब लाडू चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम भाद शुक्ल चतुर्दशा ये लाडू भी ले जा लो चंपापुर मास पर्यंत योग निरोध पूर्वक मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वासुपूज जिनेन्द्राय नमः। जय माला जय माला जय माला जय माला पुनर्गम नृपामते बोले वासुपूज भगवान की। ओ मेरी माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर लड्डू बना के रखे हैं 5000 तेरी मास को जी लाया अर्जी भवा। अरे हमको बुलाना हर साल बाबा रखना हमारा ख्याल बाबा श्रीवास पूज्य जी लाया अर्जी भव भव का प्रस्ताव सिद्ध पूज रचाऊ ध्यान लगाऊ विद्या सागर पूर्ण करो हमको सुनाना हमको बुलाना बार बार बाबा रमण बाबा रखना बोले पूज्य मुनि श्री 108 रमान सारिदी महाराज की। आप लोगों के पास में अभिवंदना पुस्तक भी और इस पुस्तक में भी जो अभी अपन लास्ट में पूजन करी उस पूजन के बाद में वह पूजा थी। अरे प्रमाण सागर की प्रमाण सागर जी की बोलो जय जयकार। खड़े होकर स्थापना करेंगे और बहुत भक्ति भाव के साथ में पूजन करेंगे। अपन को 5 मिनट में यह 5 अल्प समय में पूरी पूजन करना है कि प्रमाण श्री प्रमाण सागर जी की बोलो जय जयकार करो से जीवन सवार।
जय विराजो और सिंहासन पर आ जाओ। आवानन में आवानन में करो बार बार धन्य करो पूजन से जीवन समान धन्य करो पूजन से जीवन। ओ मृत परम पूज्य मुनि श्री 188 साथ विराजमान प्रमाण सारे मुनिंद्र अत्रे अवत्रे समुष्टे आवानम अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठटे स्थापनम अत्र इमं सनितो वसत सनदीकरणम। अरे नैना झट में जल भर लाए मुन्ना भैया एक माइक लो ना प्लीज। नैना झट में जल नैना घट में जल भर लाए चलक चलक मुनि चरण दुलाए। आज खुल गई पुण्योदय की वार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रीम मम शिक्षा गुरु हम सबके शिक्षा गुरु प्रमाण सारे मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। सबके हाथ में पुस्तक और सबकी आवाज आनी चाहिए मुन्ना भैया के साथ में 227 नंबर पेज पे इसमें भी है। ये भटकन छोटे जग संताप हमारा छोटे ये भटकन छोटे जग संताप हमारा छोटे शीतल चंदनिये शीतल चंदनिये करो शिकार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रे गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर मुनिंद्राय संसार ताप विनाश नाय। जग खंड खर से दिल घबराए अपने तन गुण चुग चुग लाए अक्षय पदकों में पाऊं एक बार धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन समार। ओम रिम गरीबों की सेवा के मसीहा श्री सेवायतन प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारे मुनिंद्राय अच्छे पद प्राप्त आए। शील स्वभाव में मन को बढ़ाए पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए शील स्वभाव में मन को बढ़ाए पुष्पांजलि मुनि चरण चढ़ाए सदा सुमनों से गूंज लाए शक्ति के प्राण पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारे दी मुनिंद्राय कामबाण विद्वंस नाय। इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट बनाए भक्ष अभक्ष रात दिन खाए इष्ट मिष्ट स्वादिष्ट बनाए रात दिन खाए चुदा मीटन को आए तेरे द्वार धन्य करो पूजन से जीवन संवार बोले पशुओं की सुन लो पुकार धन्य करो पूजन से जीवन। ओम रीम अनेकों गौशालाओं के उद्धारक पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर मुनिंद्राय क्षुधार और विनाश राय। मोहति मीर का घोर अंधेरा का घोर अंधेरा ज्ञान सूर से करो सवेरा ज्ञान सूर से करो सवेरा रत्न दीपक से सजा लाए था धन्य करो पूजन से जीवन समार धन्य करो पूजन से जीवन अनेकों पाठशालाओं के प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर्व मुनिंद्राय महामोंद कारुनाश नाय। अष्ट कर्म की होली बनाई अष्ट कर्म परिवार एक मुनिंद्राय नवरत्न परिवार
सभी आ जाएं, योगेंद्र सिटी वगैरह सभी। हाँ बोलो, एक एक मिनट नहीं हो रहा, फिर और भी है। हाँ करो। अष्टकरम की होली बनाई, सब लोग दहन करनिया आई। अष्टकरम की होली बनाई, सब लोग दहन करनिया आई। इनकी भक्ति से छुटे संसार। धन्य करो पूजन से जीवन संवार, धन्य करो पूजन से जीवन। ओम रीम। विद्यालयों के निर्माण करता, प्रेरणा करता परम पूज्य मुनि श्री एक्सवाड प्रमाण सर मुनिंद्राय अष्टकरम देनाय। पिस्ता बादाम सीधी फल लाए, मुख माला फल की तो चढ़ाए। पिस्ता बादाम सीधी फल लाए, मुख माला फल की तो चढ़ाए। टूटे दिल की ये सुनो पुकार, धन्य करो पूजन से जीवन समा, धन्य करो पूजन से जीवन। थोड़ा सा लेते हैं और बहुत सारा देते हैं, अभी 10 लक्षण में कुछ भी नहीं ले रहे। ऐसे अध्यात्म सरोवर के राजंश पूज्य मुनि श्री एक्सवाड प्रमाण सर मुनिंद्राय महामूर्त प्राप्त आय। दाता मुझे मुनि श्री एक्सवाड प्रमाण सर मुनिंद्राय अनंत प्राप्त आय। ओम श्री निर्जागर जी महाराज के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम रीम परम पूज्य मुनि श्री एक्सवाड संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घम निपामति। अरे अभी ये तो रह गया। ओम रीम संकट समाधान तो रह गया तुम्हारा जी, जरा सा रह गया हमारा जी। जयमाला में बोलूंगा ओम रीम संकट समाधान प्रणेता। जयमाला पूरी करना है, देखो फिर महाराज सभी एक साथ एक सुर में बोलेंगे। एक महाराज सागर रत्न त्रय की भर के जाट, विद्या सिंधु के शिष्य काय, जन जन के मन को हर्षाय। सिद्ध क्षेत्र सोना गिरतीर, देव देवियां करते कीर, उसी क्षेत्र पर दीक्षा धारे। सुरेंद्र सोहनी माँ के लाडले, विद्या सागर गुरु की चावल। वीर जयंती पर्व मनाया, बेमिसाल जो बनकर आया। नाम नवीन कुमार था प्यारा, अंतर मन में हुआ उजाल। गुरुमुख से तुम नाम जो पाए, मुनि प्रमाण सागर राए। ओ मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। अरे गुरु अरे हमको दीजिए ऐसा आशीर्वाद, मुनि को दीजिए।
दीजिए ऐसा आशीर्वाद सौ प्रवचन में सीता पे रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ में शिक्षा मिलती आरे को भी हिम्मत मिलती आत भी राहत पा जाता जो तेरी संगति में आता चार कसायों जैसे अवरुण पांचों इंद्रिय हैं दुखदार मावरतोटो तुमने दार बहुत दी टोट करने पार नमन करूं तेरी गरिमा को गुरु बच्ची की गुरु महिमा को मुनि कल्याण करो हम सब आवागमन मिटे जम गति जान आपके गुण को जाए आसमान तक खुद जुट जाए कट जाए कर्मों के बंद मुनि राज का करके बंद मुनि गुण कंगन ना कठिन मम जट शुद्र प्रमाण करूं पूर्ण जय माल अब बन के आप समान मेरे तट पर चाहे सुख में हो या दुख में बस चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रहना देना हो ये तो आपकी बात नहीं है सुनो सुनो सुनीता दीदी ये आपकी बात नहीं है मेरी बात है कि चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रहना गुरुवर मुझको दीजिए जन्म का साथ बाबा हमको दीजिए ऐसा बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की अभी अभी पूरा नहीं हुआ था आप बीच में ही जयकारा बोल दो मेरा कल्याण होगा तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा तेरा उपकार होगा ओम रहे संचा समाधान प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर्व मुनिंद्राय अनुत्राप्ताय जयमाला पूर्ण अर्गम बोले पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर्व जी महाराज की चलिए पूज्य निर्वेद सर्व जी महाराज का अपन उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप पल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज महामंगल महाराज जी के चरणों में अपन बोल रहे हैं दे दो थोड़ा ज्ञान दे दो थोड़ा ज्ञान कि गुरुवर तेरा क्या जट जाएगा दे दो थोड़ा ज्ञान दे दो थोड़ा ज्ञान कि गुरुवर तेरा क्या जट जाएगा दे दो थोड़ा ज्ञान ओम रीम एक साठ श्री निर्वेक्षर जी संदान सहज तिनके चरणान बिंदु को जल प्लादि महार्ग नृपामते और आइए सभी अपने स्थान में पहुंच जावे जल्दी ये मंच पूरा खाली कर दें अब मंच पूरा खाली कर दें और आइए परम पूज मुनि श्री प्रमाण सहज जी महाराज से दस लक्षण महापर्व समापन के अवसर पर हम और आप मंगल उद्वन मंगल प्रवचन का लाभ लें मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी अपने स्थान में बैठ जाएं प्लीज और आप जिनके नामों की घोषणा की जाएगी वो ही यहाँ पर आएंगे और आइए सर्वप्रथम आज की मांगलिक क्रिया के लिए आमंत्रित करूँगा श्रीमान संरक्षक गुणायतन परिवार बहन सुनीता दीदी बासा जिनका आज जन्मदिन है वे पहुँचेंगी आज की मांगलिक क्रिया करने के लिए वहाँ पर जब तक पूरे नाम ना हो तब तक कुछ नहीं करवाना इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी सुची जी पाटनी किशनगढ़ ये भी पहुँचे सुशीला जी पाटनी इसी क्रम में श्रीमती आशा रानी जी पांड्या ये भी पहुँचे और मैं अब परिवार के दो दो सदस्य आएंगे पूरी भीड़ नहीं आएगी ध्यान रखना रमेश जी श्रीमती प्रभा जी निर्वाणा ये भी आ जाए आज की मांगलिक क्रिया करने के लिए राहुल जी जैन IAS उदयपुर अपने पिता श्री के साथ यहाँ पर आएंगे श्रीमान विजय जी सरावगी श्रीमान संरक्षक गुणायतन परिवार कोलकाता ये भी पहुंच जावे श्री चंदा देवी सरावगी के साथ पहुंचेंगे विजय भैया माता श्री को भी लेके जाना इसी क्रम में गुणायतन की मंत्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी ये भी आ जावे इसी क्रम में अनिल जी आभाजी CA इंदौर ये भी आ जावे इसी क्रम में श्रीमान मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता महावीर जी लोहाड़िया कोलकाता और दिनेश जी गंगवाल मुंबई श्रीमान संरक्षक गुणायतन और श्रीमान मुकेश जैन आगरा ये सभी पहुंचेंगे आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे पहुंचे जल्दी पहुंचे सभी लोग सबसे पहले चित्रारण करेंगे उसके बाद दीपजन करेंगे
हाँ जी, आलोक जी और आकाश जी दोनों भाई एक साथ। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्याशंकर जी महाराज की। और चित्त के सामने दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे सभी सम्मानी अतिथि पुण्यार्जक परिवार। और आइए इसी क्रम में शास्त्र भेंट करने के लिए क्रम से सभी परिवार को आमंत्रित करूंगा। प्रभा जी पहुंचे ना, रमेश जी पहुंचो, अरे पहुंच जाओ जल्दी, हे भगवान बहुत। हाँ, और आइए सभी आएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी वासा जिनका आज जन्मदिन है, शास्त्र भेंट करने के लिए, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्री मुन्ना जी पहाड़िया, महावीर जी लोहाड़िया, श्रीमती आशा जी पांड्या, ये सभी आते जाएंगे। राहुल जैन आईएएस, विजय सरोगी जी, अनिल जी आबाजी सीए, सभी आएंगे साथ में। आमंत्रित करूंगा सौरभ जी, रोहित जी, रानू जी, दिव्यांश जी, उपकार परिवार, सागर मंडला, ये सभी आएंगे शास्त्र भेंट करने का। जल चंदन अक्षत फूल चरोहर दीप धूप, रमेश जी आ जावे, रमेश जी, प्रभा जी आप भी आ जावे। आइए सुनीता बहन को शास्त्र देने भैया, सुनीता दीदी को। जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। और आइए सभी परिवार साथ मेट कर रहे हैं, रमेश जी, प्रभा जी, प्रियंक जी आप भी आ जावें, सभी साथ मेट करके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्रम से एक एक परिवार आएगा यहाँ पर पात्र छलन करने के लिए। सर्वप्रथम बहन सुनीता दीदी वाशा, शिरमय संरक्षक गुणायतन, श्रीमती सुशीला जी पाटनी आ जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिनको आमंत्रित किया जाए वही आएंगे। आइए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, रमेश जी, प्रभा जी, कल्पना जी निर्माणा, मनाला जी पहाड़िया अपने परिवार के साथ, महावीर जी लोहड़िया आते जाएंगे क्रम से, दिनेश जी, रेखा जी, अनिल जी सीए, राहुल जी हमारे, राहुल जी आ गए भैया आओ। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। राहुल जी आईएएस उदयपुर आप भी आ जावे अपने पिताश्री के साथ। गुरु चरणों की रज पाकर हम, श्रीमती सुभद्रा जी, श्रीमती सुभद्रा जी गोदा वो भी आ जावे पात पहचान करने के लिए। आइए यजमान मुकेश जी पाटोदी, यजमान मुकेश जी पाटोदी क्षमा करना आज के चित्रण में हम आपका नाम नहीं ले पाए, पाटोदी परिवार यहाँ पर आ जावे। मुकेश जी पाटोदी पूरे परिवार के साथ आ जावे। बोलिए साहब। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार के, गुरुवर तेरा। हाँ जी मुकेश जी पाटोदी यजमान परिवार अजामे, चंदन वाला जी, संजय जी, ममता जी। और आइए हमारे बीच में उदयपुर से राहुल जी जैन आईएएस हमारी उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा राहुल जी को विहाय परम पूज मुनिवर के शिक्षणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटोदी और महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी गोधा, नवीन जी गोधा और मुकेश जी पाटोदी हमारे सम्मानी राहुल जी जैन आईएएस उदयपुर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। राहुल जी
चरण धोल से जिनके नाम बोले हैं थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो अपन पूज्य सूरी जी को ज्यादा सुन पाएंगे। राहुल जी उदयपुर आए, राहुल जी उदयपुर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मंच के करीब आए और आइए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा मुंबई निवासी शिरोमणि संरक्षक दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, वे भी आए। परम पूज मुनियर के शिष्य हम नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें और महोत्सव कमेटी हमारे दिनेश जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। चरण धोल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, सब वस्तुओं का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन। मैं निवेदन करना चाहूँगा राहुल जी आईएएस उदयपुर में आए, परम पूज मुनिवर के शिष्य हम नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे इनका नहीं अच्छा कर दो इनका पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, शर्म संरक्षक गुणायतन मुंबई, इनका सम्मान कर रहे हैं मुकेश जी पाटोदी और साथ में नवीन जी गोधा। इसी क्रम में राहुल जी को आमंत्रित करूंगा, राहुल जी की धर्मपत्नी भी आ जावे आए जी और आइए। अशोक रानी दोषी एक साथ आएंगे हमारे राहुल जी आईएएस और उनकी धर्मपत्नी का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करेंगे। मैं राहुल जी के पिताश्री को आमंत्रित करूंगा, बेबी आ जावे हमारी महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए, उनकी धर्मपत्नी भी आ जावे जी। आइए और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच लगातार 10 दिनों ने तक जिन्हें पूजन भक्ति आराधना के बीच में हमारे भाई साहब अशोक जी पाटनी को जाना पड़ा लेकिन उनकी धर्मपत्नी 10 दिन लगातार यहाँ पर उपस्थित रहीं। आज हमारे बीच जाने का इनका भाव में सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुशीला जी पाटनी और उनकी बहू और पोते, उनको आमंत्रित करूंगा बयाए परम पूज मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए। आइए श्रीमती सुशीला जी पाटनी अपनी बहू और पोते के साथ आएंगे, श्रीपल चाक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमती राजरानी जी बिलाला, सुनील जी बिलाला ये आएंगे सम्मानी, योगेन जी सेठी स्वागत अध्यक्ष किया जाए। सम्मानी श्रीमती सुशीला जी पाटनी परिवार का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। साथ में महाराज जी राहुल कुछ बोल रहे हैं। आइए श्रीमती सुशीला जी पाटनी अपनी बहू और पोते के साथ श्री प्रचार गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं इनके साथ। नीलम जी शोगानी जी भी आ जावे साथ में हमारा महोत्सव कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए और सुशीला जी की नंद भी आ जावे, संगीता जी आइए आइए और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है, सुनील जी बिलाला, राजन जी बिलाला, योगेन जी, सरोज जी सेठी आइए सम्मान करें। श्रीमती संगीता जी जेएमबी परिवार जो कि सुशीला जी की नंद है, अशोक जी की बहन है, अच्छा दोनों नंद है, क्या बात है। आइए इनके सम्मान के लिए आ जावे श्रीमती प्रभा जी आ जावे और साथ में रानी दोषी आ जावे, जल्दी आ जावे, आइए जल्दी सम्मान करने के लिए जल्दी दौड़ के आओ। श्रीमती प्रभा जी निर्वाणा आप लोग तालियों में तालियों के साथ में अनुमोदना तो कर ही सकते हैं ना, जिन्होंने 10 दिन तक यहाँ अपनी साधना भी की भक्ति भाव से और न केवल मात्र साधना अपितु आराधना भी की और साथ में ही वैयावर्ती का भी पूर्ण लाभ लिया, महाराज जी लोगों के परिग्रहण का भी प्रतिदिन जैसे चक्रवर्ती का सुनते हैं वैसे ही ये लोग भी इतने दूर से अपना और हमारे बीच में श्रीमान मयंक जी वड़जात्ता पुणे से हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए श्रीपल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और मैं इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे रमेश जी निर्वाणा आ जावे, रमेश जी निर्वाणा अपने पुत्र के साथ आ जावे हमारे सम्मानी और साथ में महामंत्री हर्ष जी आ जावे, साथ में आनंद गोदा जी भी आ जावे हमारे सम्मानी बड़जात्ता परिवार का और इनकी धर्मपत्नी हर्ष तृप्ति
जल्दी आ जाए प्रभा देवी, जल्दी आ जाए। देखिए अपने बीच मयंक बढ़ जाता, आपके इंदौर के ही एक विशेष प्रतिभा है जो ज्योमेट्रिकल वास्तु पर काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने भक्तामर के ऊपर बहुत सारे कार्ड्स बनाए हैं जिनसे कैंसर जैसी बीमारी से ये लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। अभी इन्होंने अपनी एक कृति क्षमा फॉरगिवनेस इन आर्किटेक्चर मुझे प्रस्तुत की है और ये देश विदेश में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इनका एक बहुत बड़ा नाम है और अलग पहचान है, मेरे संपर्क में पिछले 8 वर्षों से निरंतर है और निश्चित इनका ये कार्य बहुत सराहनीय है। हाँ कल विमोचन करना है? हाँ कल कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज ही शाम को करेंगे, पहले से हो जाएगा। बहुत आइए चलिए जी मर्जी। चल हाँ जी, मैं महोत्सव कमेटी के महोत्सव अध्यक्ष भाई नवीन जी को आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए। जय जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम श्रावक शिविर का आज आखिरी दिन है और चातुर्मास हमारा बड़ा अच्छे से चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में इस चातुर्मास की बातें हो रही है कि बहुत ही सुव्यवस्थित चातुर्मास चल रहा है। गुरुवर के आशीर्वाद से सब अच्छे से चल रहा है और ऐसे मेरे इस चातुर्मास में अभी तक जो साथी हैं और जो आगे भी दे रहे हैं, आवास व्यवस्था भोजन व्यवस्था, वो सब बहुत ही तन्मयता के साथ समर्पण भाव के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। गुरुवर के चरणों में समर्पण का भाव के साथ काम। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष अशोक जी डोसी साहब, हर्ष जी आ जाए मेरे साथ में। चूंकि गुरुदेव मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इन्होंने तो बोला था कि हमें ऐसा कोई नाम लेने की या किसी की आवश्यकता नहीं, हमने तो गुरुवर के चरणों में समर्पण के भाव से ये कृत्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी धर्म प्रभावना समिति की तरफ से पूरे नवरत्न परिवार की तरफ से मैं सभी हमारे साथियों का उत्साहवर्धन के लिए आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि वो आने वाले समय में और उत्साह उमंग और ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें। मैं ऐसी भोजन चातुर्मास हमारी जो भोजनशाला है जो शुरू से चली आ रही है उसमें मुख्य रूप से जो है, क्योंकि बिगर भोजन के सब सून है, इसलिए सारी व्यवस्था भोजन के ऊपर है और गुरुवर के आशीर्वाद से इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, उन सभी साथियों को मैं बुलाना चाहूँगा और गुरुवर से आशीर्वाद दिलाना चाहूँगा कि गुरुवर उनको आशीर्वाद दे के उनकी प्रभावना को बढ़ावें, ऐसा मेरा निवेदन है। इसमें मुख्य संयोजक रूप से हमारे आनंद जी गोधा आ जाएँ, श्रीफल के चरणों में चातुर्वा श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। महेंद्र जैन, ऐसा करो सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, 9:27 होगा, पहले प्रवचन हो जाने दो उसके बाद सबको बुला लेना एक साथ। तो मैं सबके नाम ले लेता हूँ फिर आपका आशीर्वाद। हमें नाम पता है, रन दो सबको आशीर्वाद, अभी इन लोगों को बहुत काम करना है, इसलिए एक बार जिनका आप लोगों ने सहयोग लिया है और ये लिस्ट अधूरी है भैया, जो बाहर से आके काम किए उनकी भी लिस्ट लेके आओ, अधूरा काम पहले बाहर वालों का फिर घर वालों का। और अभी अभी नहीं, अभी बहुत काम करना, चौमासा खत्म हो गया क्या? सबको आशीर्वाद। नवीन जी अशोक जी, नवीन जी अशोक जी कहना चाहूंगा, अभी तो इंटरवल है, मेन पिक्चर तो अब चालू होने वाली है, आइए हम और आप, इसलिए सबको आशीर्वाद। पारस चैनल, आदिना चैनल, जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए निवेदन करेंगे, हे मुनिवर समापन वेला पर मंगल देशना मंगल प्रवचन के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय कालो लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। रमो आ
हरिहंतारम् नमो हरिहंतारम् सिद्धारम् नमो सिद्धारम् आयरियानम् नमो आयरियानम् खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की मुनिषि निर्वेक सागर संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु आज बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्म का अर्थ होता आत्मा और उस आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। जो आत्मा के जितने निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी और जिसकी आत्मा से जितनी अधिक दूरी है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में भेद करते हुए चलना है। आत्मा से निकटता और दूरी के आधार पर ही ब्रह्म और अब्रह्म का पता चलता है। सवाल उठता है रहते तो हम आत्मा में ही हैं फिर आत्मा से दूरी कैसी। ये बात सही है कि हम रहते अपने भीतर ही हैं लेकिन हमारे अंदर की कामनाएं हमारे भीतर की भोगेशना हमें हमारी आत्मा से बहुत दूर ले जाती है। ये काम भोग भटकाने वाले तत्व हैं। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा चित्त सारे संसार की यात्रा करा देता है और यही यात्रा हमारे भटकन और प्यास का कारण बनती है। दरअसल जब मनुष्य अपनी आत्म तत्व से विमुख होकर बाह्य पदार्थों में मुग्ध होना शुरू करता है उसके अंतर की काम भोग की आकांक्षाएं प्रबल हो उठती है और यही आकांक्षाओं की प्रबलता
उसे ब्रह्म से अब्रह्म की ओर ले जाती है। सच्चे अर्थों में आत्मा की उपासना ही ब्रह्मचर्य की आराधना है, और उस आत्मा की उपलब्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब ब्रह्मचर्य है। और उस ब्रह्मचर्य को प्रकट करने के लिए सबसे पहली बात, सबसे पहली आवश्यकता है, ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य घटित कर पाना असंभव जैसा है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, जह नाम को विपुरशो रायानम जानि दोन सद्दहदी तो तम अनुचर दिपुनो अथत्तियो पयत्तीन एवं हि जीव राया अणादब्बो तहे सद्दहे दब्बो अनुचर दब्बो यपुनो सोचे वदमोख कामिन। जैसे अर्थ का अभिलाषी मनुष्य राजा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, उसका अनुसरण करता है, वैसे ही तुम्हें मुक्ति चाहिए तो अपने आत्मारूपी राजा को जानो, उसका श्रद्धान करो और उसके अनुरूप आचरण करो। आत्मज्ञान जिसके अंतर में प्रकट हो जाता है वह देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यासी बनता है। और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ भी यही है, आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास। देह के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास, आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास ब्रह्मचर्य है। और यह जिसे भी, जिसके जीवन में भी घट जाए उसका जीवन धन्य होता है। ज्यादातर लोग देह और आत्मा की भिन्नता से अनभिज्ञ होने के कारण शरीर के स्तर पर ही जीते हैं और निज पर के शरीर के प्रति आकृष्ट होकर केवल देह जन सुख को भोगने का प्रयत्न करते हैं। यही अब ब्रह्म है जो मनुष्य को भटकाते हैं, क्षण मात्र का सुख देते हैं और दीर्घ काल तक दुख देते हैं। ये हमारे जीवन को उलझा देने वाले हैं। इन्हें जो समझ लेते हैं उनके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। आज चार शब्दों से अपनी बात मैं पूरी रखूंगा। चाम, काम, राम, धाम। चाम, काम, राम और धाम। चाम ये ऊपर का शरीर, ये ऊपर का चोला। जब तक मनुष्य की दृष्टि इस चर्म पर होगी, जब तक इस चाम पर दृष्टि होगी, मन में काम प्रकट होगा। काम से मुक्त होना चाहते हो तो चाम से हटकर अंदर के राम को पहचानो। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से अलग होना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, देह भाव से ऊपर उठने का नाम ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। मल योनिम, मल बीजम, गलन मलन पूति गंध बीभत्सम, पश्चन्नंग मनंगाद विरमतियो ब्रह्मचारी से। ब्रह्मचारी कौन है? वह नहीं जो स्त्री पुरुष एक दूसरे से अलग हट गए, अपितु वह जो शरीर को मल का योनि, मल का बीज, गलन मलन पूत विभत्स
दुर्गंधि से युक्त शरीर की अशुचिता को देखते हुए जो काम से विरत होता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। देह भाव के छूटे बिना, देह भाव से ऊपर उठे बिना यथार्थ ब्रह्मचर्य घटित कर पाना असंभव है। तो संत कहते इस चाम को समझो, ये तो ऊपर का चाम है। आप लोग रोज बोलते हो दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे भीतर या सम जगत में और नहीं घिन के। ऊपर से ये चर्म लपेटी भी है, अगर इसे उधेड़ दिया जाए एक मक्खी के पंख जितनी परत निकल जाए तो जिस शरीर को देखकर लोग पागल होते हैं, जिस शरीर के सुख पाने के लिए लोग आतुर होते हैं, वही शरीर घृणा का विषय बन जाता है। संत कहते हैं तात्विक दृष्टि से देखने की कोशिश करो और देह के प्रति उलझने की जगह देह में छिप दे विदेह का सम्मान करना शुरू करो, तब जीवन धन्य होगा। आज लोगों के हृदय में देहाकर्षण है और यही देहाकर्षण उन्हें मुग्ध करता है, भटकाता है। निज पर के देह के प्रति आकृष्ट होकर व्यक्ति अपने जीवन की सारी मर्यादाओं को खंडित कर रहा है। संत कहते हैं देह नहीं विदेह को देखो, चर्म नहीं मर्म को पहचानो, चाम नहीं धाम को जानो, अंदर के राम को पहचानो, तब तुम काम से निष्काम की ओर बढ़ पाओगे। चाम काम को बढ़ाता है और भीतर का राम धाम तक पहुंचाता है। क्या लक्ष्य है, धाम या काम? अगर धाम चाहिए तो चाम से विमुख होकर राम की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत ही जीवन का वास्तविक आनंद है। शरीर का आकर्षण तो मात्र ऊपरी आकर्षण है, जिसके पीछे मुग्ध होकर व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन जिस दिन अंतरात्मा का बोध होता है सब कुछ पलट जाता है। हमने तुलसीदास जी के जीवन की वो कहानी सुनी, जो वो अपनी धर्म पत्नी रत्नावती के पीछे कितने पागल थे। भर बरसात में गंगा को पार करके चले गए, मुर्दे को एक तख्ता मानकर उसके सहारे नदी पार किया, उभनती नदी को पार कर गए, रात अंधेरे में पहुंच गए। कहानी मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। लटकते हुए सांप को रस्सी मानकर चढ़ गए, कहानी आप सबकी सुनी हुई है। और जब अपनी प्रिया से मिलने के लिए गए, प्रिया ने पूछा आप और इस समय कैसे, पूरी कहानी बताई। रत्नावती ने जो उन्हें झटकारा झकझोरा उससे उसकी दिशा बदल दी। क्या कहा, अस्थि चर्म मय देह मम तासंग ऐसी प्रीत, अस्थि चर्म मय देह मम
तासंग ऐसे प्रीत की होती रघुनाथ से तो काय होत भव भी। धिक्कार है तुम्हें जो मेरे हाड़ मांस के इस शरीर से आकृष्ट होकर तुमने अपना सब सद शुद्ध भूत खो दिया, जान हथेली में रखकर यहां तक चले आए। ऐसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से जितनी प्रीत रखी, ऐसी प्रीत यदि अपने भीतर के राम से रखी होती तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। तुलसीदास जी के लिए एक वाक्य ही बहुत बड़ा मंत्र बन गया, उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, अब चाम नहीं काम नहीं, केवल राम और धाम की उपासना करनी है, मुझे केवल और केवल उस दिशा में आगे बढ़ना। वो निकल गए। कहानी आप सबको पता है, पर उस दिशा में हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। आत्म तत्व को पहचानना बहुत जरूरी है, भेद विज्ञान को उद्घाटित करना परम आवश्यक है। जब तक भेद विज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक हमारे जीवन का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होता। बंधुओं, भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य को साधना का उत्कृष्ट आधार बताया है। बिना ब्रह्मचर्य के हमारी साधना सिद्धि में परिवर्तित नहीं होती, और वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ही है ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण। हम वो आचरण करें, अपने आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें, काम भोग की अंतहीन लालसा पर नियंत्रण लगाने का प्रयत्न करें, और ये नियंत्रण तभी होगा जब हम उनकी निरर्थकता और आत्म तत्व की पवित्रता के ऊपर दृष्टि रखें, उनकी तरफ सोचें, अपने जीवन के अब तक के अनुभवों को सामने रख करके चलो। सारा जीवन काम भोग की उपासना में व्यतीत हो गया, पूरा जीवन केवल काम भोग के आलंबन में खत्म हो गया। मिला क्या, अब तक का अनुभव क्या है, कभी विचार किया? खन मित्त सुखा, बहुकाल दुखा, पगाम सुखा, अनिगाम दुखा, संसार मोक्षस्य विपक्ख भूया, खानी अनत्थानुकाम भूया। क्षण मात्र का सुख बहुत काल का दुख, थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख, सारे अनर्थों की जड़ है ये काम और भोग। जिस दिन ये बात तुम्हारे अनुभव में आ जाएगी, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि पूरे जीवन का अनुभव तुम भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी अंदर की आसक्ति तुम पर हावी होती है। जब जब आसक्ति हावी होती है, अनुभव हार जाता है। जिस दिन अनुभव जीतेगा, आसक्ति मरेगी, तब जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अपने अनुभव को सामने रखते हुए आसक्ति से ऊपर उठना ही ब्रह्मचर्य की आराधना है। जैसे कोई व्यक्ति खाज का रोगी हो, खाज खुजाते समय कैसा लगता है? राहत तो लगती है ना? खाज खुजाने में राहत लगती है, कितनी देर? जितनी देर खुजाओ। और खाज खुजाने से खाज मिटती है कि बढ़ती है? खाज भी बढ़ती है और जलन भी उभर जाती। ये सब का अनुभव है। इसलिए समझदार लोग जब खाज आती है तो खुजाने की जगह
उसमें कोई मरहम लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जितनी खाज खुजाऊंगा खाज बढ़ेगी शांत नहीं होगी। संत कहते सत्य को जीवन में उतारो, इस अनुभव को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाओ, और जब कभी भी विषयों की खाज उठे तब तक ज्ञान का मरहम लगाओ, तभी जीवन सलामत रहेगा। ये बेकार है, व्यर्थ है, इसमें कोई सार्थकता नहीं, इसमें मिलना क्या है? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, उसे लगता है कि बड़ा रस आ रहा है, लेकिन हड्डी में रस होता कहाँ है? वो तो सूखी है। पर हड्डी चबाते चबाते उसके मसूड़े छील जाते हैं, और मसूड़े छीलने से जो रक्त आता है उसे लगता है ये स्वाद इस हड्डी का है, अंततः उसे पीड़ा ही भुगतनी पड़ती है। और यही स्थिति काम भोग की चाह में अंधे होने वाले लोगों की होती है। जो इस सत्य को जान लेते हैं उनकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, जिनकी दृष्टि परिवर्तित होती है उनके जीवन की दिशा बदल जाती है। बंधुओं, काम से मुक्त होने के लिए, ब्रह्मचर्य को घटित करने के लिए सबसे पहली जरूरत है दृष्टि की पवित्रता। दृष्टि की पवित्रता आते ही सब कुछ बदल जाता है। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा, महाराज जी आप लोगों के इर्द गिर्द बहुत सारी महिलाएं होती, युवतियां भी आती है, उन सब का आप सबके बीच उठना बैठना होता है, आपके मन में वासना का विकार नहीं आता? अनेक महिलाओं युवतियों के मध्य बैठने के बाद भी आपके मन में क्या वासना का विकार नहीं आता? मैंने उससे पूछा, ये बताओ जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने रहते हो तो क्या तुम्हारे मन में विकार आता है? मैंने उससे पूछा, ये बताओ जब तुम अपनी माँ या बहन के सामने रहते हो तो क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई विकार आता है? उसने कहा, महाराज उस समय तो वैसी दृष्टि ही नहीं रहती। मैंने कहा, बस यही है हम लोगों के जीवन का रहस्य। तुम्हें कोई एक स्त्री माँ या बहन दिखती है, हमें संसार के हर स्त्री में माँ बहन और बेटी का स्वरूप दिखता है। ये पवित्रता अंदर आ गई तो फिर ब्रह्मचर्य की बात कहने की जरूरत नहीं होगी, भाव धारा ही बदल जाएगी, फिर गुणों के प्रति लगाव होगा, आत्मा के प्रति झुकाव होगा, शरीर का आकर्षण वहीं समाप्त हो जाएगा। हमारी संस्कृति में तो यही कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु यः पश्यति स पंडितः। संसार के प्रत्येक प्राणी को जो अपने समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और पर नारी को जो अपनी माता के समान देखता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार। अपने अंदर वो दृष्टि की पवित्रता उद्घाटित करना चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुई है तो वह है हमारी दृष्टि, लोगों की सोच, जिसके कारण आज हमारी सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगी, मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगी। मैं आपसे कहता हूं और बड़ी वेदना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब तो सगे भाई बहनों के संबंधों की पवित्रता भी संदिग्ध हो गई है। सगे भाई बहनों के संबंधों की पवित्रता भी संदिग्ध हो गई,
उन्मुक्त यौनाचार की खुली बड़ा वकालत, और आज का जो तंत्र है मीडिया है उनके द्वारा जो चीजें परोसी जा रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो बातों को प्रचारित कर रहे हैं, उसने मनुष्य की भोगेशना को भपका दिया है और उसमें सारे संबंधों की पवित्रता खंडित होने लगी। मेरे पास ऐसे भी कुछ प्रकरण आए जिनमें सगे भाई बहनों ने ही आपस की मर्यादाओं का हनन किया, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मर्यादा की रक्षा करना अपनी प्राथमिकता में शामिल कीजिए और अपने बच्चों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाइए, दृष्टि की पवित्रता को उद्घाटित करने की दिशा दीजिए। और अब भाई बहनों को भी 10 साल से ऊपर होने पर एक दूसरे के साथ मत रखिए, उनसे दूर रखिए, क्योंकि उसमें मर्यादा की हीनता होती है और भाई बहन अपने रिश्ते की पवित्रता को एक तरफ रखते हुए इसे अपने आनंद का सुरक्षित स्रोत मान लेते हैं। जो बातें मैं आप सबसे कह रहा हूं वो कल्पना की बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी वेदना से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे कई प्रकरण आए हैं जिन्होंने प्रायश्चित करके शुद्धि की याचना की। उन्मुक्त यौनाचार आजकल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कहां हमारे यहां उत्तम ब्रह्मचर्य की बात और कहां इतना निकृष्ट जीवन जहां मर्यादाओं का खुल्लम खुल्ला हनन हो, वहां मैं क्या बात करूं। आज के समय में विवाह का समय टलता जाता है, आज के युवक युवतियां उच्च शिक्षा की चाह में विवाह करने में विलंब करते हैं, लेकिन मैं आप सबको बड़े दर्द के साथ कहता हूं, आज के बच्चे बच्चियों का विवाह भर नहीं होता, बाकी सब कुछ होने लगा है। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को चुभ रही हो, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं ये एक हकीकत में बदल रही है। आज की तारीख में 10 में से 9 युवक और युवतियों का हाल बेहाल दिखता है। मैं जब रैंडमली पूछता हूं चाहे लड़के हों या लड़कियां, तो वो यही बोलते हैं 10 में से 9 बेपटरी हैं, एक अपने आप को बचा लेते। हमने कई बार एक्ट प्रोग्राम किया युवाओं का, उसमें एक कार्यक्रम होता है कन्फेशन का, उस कन्फेशन में आप सुन करके दंग रह जाओगे, 80 से 85% युवक और युवतियां इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिलेशनशिप में रहे हैं, उनके रिलेशन बने हैं, मर्यादाएं टूटी है, और इनमें लड़कों की तुलना में लड़कियां ज़्यादा भटकती है। ये मेरा अनुभव है, मैं इतना जानता हूं कि आज के समय में बच्चे भटके जरूर हैं पर उनका विश्वास कायम है, वे किसी और को न बता पाए पर गुरुओं के सामने साफ मन से आते हैं, सब सच बताते हैं, बिना प्रयास के वे सब बता देते हैं, रोते आंखों में बताते, क्योंकि पूरा वातावरण ऐसा बना दिया गया, पूरा माहौल ऐसा विकृत हो गया जिसमें व्यक्ति को अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। शास्त्रों में लिखा है तारुण्य इंद्रि निग्रहम दुष्करम, तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह कर पाना बहुत कठिन होता है, और तारुण्य है सहवास होता है, सहशिक्षा होती है, एक साथ बैठना शुरू हो जाते हैं, तीसरी चौथी क्लास से
साथ में पढ़ना, साथ में कोचिंग करना, साथ में और उच्च शिक्षा जाना, और फिर आज के समय में आपके मोबाइल ने आपको पूरी तन्हाई उत्पन्न प्रदान कर दी, इसका परिणाम मर्यादाओं का हनन। अध्यात्म की कोई खुराक तो मिलती नहीं, आत्मा का तो कोई बोध मिलता नहीं, और अध्यात्म खुराक के बिना आत्म बोध से शून्य रहने के कारण लोगों के अंदर ऐसा भटकाव आ जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो ये तक कहा गया कि साधु भी भटक सकता है, फिर ये तो सामान्य युवक युवतियाँ हैं, कोई भी भटक सकता है। इस भटकाव से बचने का एक ही रास्ता है, वह मर्यादाओं से बंधने का संकल्प, और लोगों को एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण की जरूरत, तभी भोगवाद से ऊपर उठेंगे। आए दिन जब इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती है, मीडिया में हल्ला मचता है, लोग कोसते हैं और कह दिया जाता है इसको फांसी पर चढ़ा दो, उसको फांसी पर चढ़ा दो, ध्यान रखना, व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने से व्यभिचार नहीं मिटेगा, वासना का अंत करने में ही व्यभिचार मिट पाएगा। हम किसी को फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे व्यभिचार नहीं मिटेगा। विनोबा जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत सार्थक दिखती है कि कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को बंद कर सकते हैं, लेकिन हर स्त्री में माँ और बहन का रूप तो केवल धर्म ही दिखा सकता है और कोई नहीं। ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होना चाहिए। एक तरफ लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर के चिंतित होते हैं, हल्ला मचाते हैं, और निश्चित इस तरह की घटनाएं बड़ी भयानक है, लोमहर्षक है, मानवता के विरुद्ध है, ये सब मानवीय नहीं पैशाचिक वृत्ति का उदाहरण है, लेकिन इस तरह की घटनाएं न घटे उसके लिए आध्यात्मिक और नैतिक चरित्र को मजबूत बनाने वाला कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई माहौल नहीं, तो ब्रह्मचर्य भला घटेगा कैसे। बल्कि इसके विरुद्ध बातों को मान्यता दी जाने लगी। आजकल लोगों की जीवन शैली बड़ी उल्टी हो रही है, देर रात तक काम करना, मद्यपान करना, अन्य प्रकार के अनाचारों में संलिप्त रहना और फिर अपने आप को संभालना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। इन सब पर ध्यान देना चाहिए। आज जॉब के नाम पर आप, आज ही मुझसे कुछ युवा बोल रहे थे, महाराज सुबह 11 बजे जब हम लोग अपने ऑफिस से लौटते हैं तो देख करके आंखें झुक जाती, खास करके आज के युवक युवतियों का हाल क्या है, नशाखोरी और इस तरह की दुष्प्रवृत्तियाँ, और जहाँ नशा जुड़ता है वहाँ नाश तो होता ही है, नाश तो होता ही है, और कई तरह के स्कैंडल और कई तरह के स्कैम आ जाते हैं सामने, और कई कई बार ऐसी स्थिति होती है कि किसी के लिए कुछ करने लायक स्थिति भी नहीं बनती। इन सब पर लगाम लगाना जरूरी है, नियंत्रण रखना जरूरी है, मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता। अपनी लालसा को नियंत्रित करना है तो हम इस शरीर की अपवित्रता को ध्यान में रखें, कामनाओं के अंतहीन परिपाटी को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि जगाएं, अपने राम को पहचाने, अपने आत्मा को पहचाने, और अपने जीवन के परम धाम को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है, ये काम भोग में जकड़ने के लिए नहीं अपितु काम से निष्काम बनने के लिए मिली, काम से कृतकाम बनने के लिए मिली है। ये रास्ता सभी को अंगीकार करने की जरूरत है। बंधुओं, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के विषय में एक और विशेष बात आप सबके लिए ध्यान देने योग्य है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को बहुत व्यापक अर्थ में प्रस्तुत किया गया। एक साधक तो ब्रह्मचारी है ही, गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा गया। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, काम भोग का आश्रय लेने वाला गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। कब? जब वह स्वदार संतोष व्रत का पालन करे, तब
जब वह यौन सदाचार के लिए संकल्पित हो जाए तब एक गृहस्थ को ब्रह्मचर्यानुव्रति कहा गया। यौन सदाचार का पालन करते हुए वो अनुव्रत के साथ अपना जीवन जी सकता है और उसे ब्रह्मचारी होने का श्रेय प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त संसार की सारी स्त्री और पुरुषों के साथ पवित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने का संकल्प ले लिया है, उससे बंध गया है। ये विवाह की व्यवस्था, विवाह का उद्देश्य बहुत पवित्र और व्यापक है। विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। अपनी भोग विलास की अंतहीन वांछ आकांक्षा को एक पर सीमित करके मर्यादित और सीमित संयमित तरीके से जीवन जीने का आधार है विवाह। पर आजकल तो लोग विवाह से भी दूर होने लगे हैं। लिव इन जैसा कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कानूनी मान्यता मिल जाने के बाद और बंटाधार हो गया। यह अंततः पूरे जीवन के बर्बादी का आधार है। एक लंदन की भारतीय मूल की महिला ने एक लेख लिखा था जो किसी कंपनी की सीईओ लेवल की थी, बड़ी कंपनी की, और उसने लिखा कि पहले जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ का उन्मुक्त यौनाचार बहुत लुभावना लगा और मुझे लगता था कि भारत की ये बंदिशें और भारत की सीमाएं जीवन का रस खंडित करती है, लेकिन अब एक उम्र को पार कर देने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी दशा तो रसहीन गन्ने की तरह है, उस गन्ने की तरह जिसे मशीन में रखकर उसका रस निकाल लिया गया, अब नीरस है जो किसी काम का नहीं केवल जनाने लायक बचा है। पर मैं क्या बताऊं, न तो अब मेरा कोई परिवार बचा और न ही मेरी कोई संतान। अब मुझे लगता है काश मैं भारतीय आदर्श को आत्मसात करके रहती तो आज मेरे पास सब कुछ होता, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका है। लोग समझते नहीं, यौवन के उन्माद में व्यक्ति सब बातों को भुला देता है। हमें चाहिए कि इस बात का हम एहसास करें कि हमारा जीवन कितना व्यापक है और हमारे जीवन की व्यवस्थाएं कितनी मौलिक है। अपने मर्यादाओं की रक्षा करना हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। जब तक इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखते तब तक आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बंधुओं, उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करने की बात की जाती है, लेकिन जब इस स्तर की गंदगी देखने में आती है तो लगता है आने वाले समय में हमारी संतति का क्या होगा, और संतति बिगड़ेगी तो हमारी संस्कृति का क्या होगा। बदलाव होना चाहिए। हमारे यहाँ विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादित और संयमित जीवन जीने का तो उल्लेख है, विधान है, लेकिन विवाह विहीन उच्छृंखल उन्मुक्त यौनाचार का कोई विधान नहीं। उसकी स्थिति तो पशु पक्षियों से भी गई भी थी। पशु पक्षी के साथ और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे रहते हैं। आजकल के लोगों का कोई बंधन शेष नहीं और वही निर्बंध अवस्था सारी मर्यादाओं का हनन कर रहा है। इससे बचिए, और जो चीज़ें आज परोसी जा रही है वह भी बहुत भयानक और खतरनाक रूप लेते जा रही है। बच्चे बच्चों को इन बातों को समझाना चाहिए। आज छोटी उम्र के बच्चे भी समय से पहले वयस्क होने लगे। 10 साल 11 साल के बच्चे भी वो सब बातें समझने लगे और करने लगे जो आदमी बड़े होकर के नहीं जानते थे। ये सब चीज़ें बहुत भयानक है। मर्यादा का पाठ पढ़ाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन स्त्री पुरुष सदार संतोष व्रत का संकल्प ले, विवाह पूर्व और विवाहेतर संकल्पों को, संबंधों को त्यागने का संकल्प ले, तभी आपका ये उत्तम ब्रह्मचर्य सार्थक होगा। हमने अनेक प्रसंग सुने हैं। पुराने जमाने में ऐसे राजा महाराजा होते थे जो शील के अखंडित पालन किया करते थे और पूरे मानव समाज के बीच
उच्च आदर्श स्थापित करते थे। आपने महाराजा छत्रपाल के बारे में सुना होगा। महाराजा छत्रसाल जो रीवा स्टेट के महाराजा थे, जिन्होंने कभी कुंडलपुर का जिनालय बनाया था, उनके पास एक रूपवान युवती पहुंची और उसने उनसे कहा, मैं आप जैसा प्रतापी और पराक्रमी संतान चाहती हूँ, आप जैसा रूपवान प्रतापी पराक्रमी संतान चाहती। उन्होंने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरा करे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उसने कहा, मेरी इस इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, मेरी इच्छा की पूर्ति आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती, इस इच्छा पूर्ति में मैं क्या सहयोग कर सकता हूं। उस युवती ने सारी मर्यादा और लज्जा को त्यागते हुए आगे कहा, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री भला संतान को जन्म कैसे दे सकती है, मेरे पति इसमें अक्षम हैं, इसलिए मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ, आपका सहयोग चाहती हूँ। इतना सुनना था महाराजा छत्रसाल तत्क्षण उस स्त्री के चरणों में गिरे और कहा, माँ यदि मुझ जैसे संतान को चाहती हो तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यदि तुझे मुझ जैसा संतान चाहिए तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। कितना उच्च आदर्श आज कहां खो गया। इसका मूल कारण वर्तमान की शिक्षा और पूरा वातावरण, सब तरफ मर्यादाहीनता की वकालत, ये अंततः पूरे सामाजिक स्वास्थ्य को खंडित करने वाला। इस पर सबको बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक हम अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित नहीं करते, तब तक अपना जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता, सलामत नहीं हो सकता। इसलिए आज के इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें। हमारे यहाँ काम का आश्रय लेने की छूट तो दी गई, लेकिन काम को ध्येय बनाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। कहा गया, काम से निष्काम बनने की ओर दृष्टि रखो, काम का आश्रय मत लो, काम पुरुषार्थी बनो। काम लंपटी बनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और काम पुरुषार्थी बनोगे तो एक दिन अपने परम धाम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकोगे। इन बातों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। और आज इसमें एक बात और, एक गड़बड़ियाँ और चालू हो गई, वह है लोग एक तो विवाह नहीं करना चाहते, विवाह कर भी ले तो संतान जल्दी नहीं चाहते, और संतान हो भी जाए तो एक से अधिक नहीं चाहते। भ्रूण हत्या आम बात होने लगी, इससे इस लड़की और लड़कों का अनुपात भी बिगड़ रहा है। जैन समाज और आम समाज को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज आप लोगों के यहाँ ब्याह संबंध की समस्याएं आने लगी, इसके जिम्मेदार कौन? आप हो। ये महान पाप है, इससे बचना चाहिए। अगर कोई किसी प्रकार से गर्भपात जैसा कृत्य करता है तो उसे समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप हो रहा है। गर्भपात कोई साधारण ऑपरेशन नहीं, वो एक हत्या है, जीते जागते मनुष्य की हत्या, एक सामान्य हत्या नहीं, वो हत्या है करुणा की, वो हत्या है वंश की, वो हत्या है मातृत्व की। थोड़ा सोचिए, जब डीएनसी आदि होती है तो किस तरीके से पेट में पलने वाले बच्चे के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं,
और वो कैसे अपने प्राण बचाने के लिए तड़फता है। अगर जन्म ले लिया होता और उस पर कोई संकट होता तो सीधे अपनी माँ की आंचल में जाकर निश्चिंत हो जाता, लेकिन अब कौन बचाए जब उसकी माँ ही खुद हत्यारिन बनकर उसकी हत्या करने के लिए तुले, वो क्या करे। थोड़ा सोचो, सोचो तुम्हारे गोद में पलने वाले बच्चे के प्रति तुम्हारे मन में असीम प्यार और कोख में पलने वाले की निर्मम हत्या, ये कैसा मातृत्व है, कैसा मातृत्व, कहां चला जाता है मातृत्व। ये गर्भपात कोई साधारण पाप नहीं, ये अपने ही खून का खून है, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा है। इस पर विचार होना चाहिए, ये महान पाप है। जीवन में कभी ऐसा कृत्य मत करना, और यदि किसी वजह से ऐसा कृत्य कर लिया हो तो जब तक उसका प्रायश्चित न ले लो तब तक सच्चे अर्थों में उस दंपति को न तो भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए न मुनियों को आहार देना चाहिए, क्योंकि वे सूतग्रस्त हैं, वे हत्यारे महापाप के धनी हैं। इससे बचिए, ये आम होता जा रहा है। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि महाराज हम लोगों के यहाँ इतने उत्तम धर्म की बातें होती हैं लेकिन आज भी समाज में इस तरह की प्रवृत्तियाँ कम नहीं हैं, लोग चाहे अनचाहे इस तरह के कृत्य कर देते। क्या अपराध है उस संतान का यही कि तुम्हारी इच्छा के बिना आया, यही था तो तुमने बीज क्यों बोया, बीज बोया है तो उसका फल तो तुम्हें लेना ही होगा। इस कुकृत्य के परिणाम के बारे में सोचो। कईयों के साथ तो ऐसी घटना हो गई, एक इंजीनियर दंपति थे, बच्चा जल्दी आ गया, उनको नहीं चाहिए था, उन्हें एबॉर्शन करा लिया, नतीजा ये निकला कि उसकी कोख ही चले गई, आज तक मां नहीं बन पाई। रोते, काश हम दूसरों की बातों में नहीं आए होते तो आज हमारी कोख सलामत होती। कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें कभी गर्भपात कराने का मन किया लेकिन बाद में किसी ने समझाया और नहीं कराया, आज उनके बच्चे जन्म लिए और बहुत ऊपर है। कुछ दिन पहले मैंने एक IITN की बात आप सबसे की थी, ऐसे कईयों के साथ है। तो इस तरह के कृत्यों से बचना चाहिए। आज आप सब संकल्प लीजिए, आज के दिन जब यह पर्युषण पर्व समाप्ति की ओर है, आप लोग तो यहाँ से चले जाओगे, मैं चाहता हूँ ऐसे मत जाइए, कुछ ले के जाइए। तैयार हैं कि नहीं, है ना। आज आपको दो संकल्प लेना है, पहला संकल्प यौन सदाचार का और दूसरा संकल्प जीवन में कभी भी गर्भपात न करने का, न कराने का, न अनुमोदन करने का, और यदि कभी कराया हो तो उसका प्रायश्चित लेने का। आप लोग तैयार हैं। अनंत चतुर्दशी का दिन है, अब प्रवचन का समापन होने के पूर्व मैं एक आप सबको खड़े करके ये संकल्प दिलाना चाहूँगा, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं वे भी संकल्पित होकर अपने जीवन में ये दृढ़ व्रत ले, ताकि आने वाली संतति अच्छी बन सके और आगे बढ़ सके। बंधुओं, हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए। मैं नव दंपतियों से खास कर ये कहूँगा कि आपके हाथ में संतति है और संतति से ही संस्कृति है, इसलिए मान करके चलिए कि संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छी संतान को जन्म देना होगा, और अच्छी संतान को आप जन्म तभी दे पाएंगे जब आपके अंदर खुद में अच्छे संस्कार होंगे, तो उन संस्कारों से ओतप्रोत होते हुए अच्छी संतति को जन्म देने के लिए सभी संकल्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं, ताकि जीवन में कुछ बेहतर हो सके। ये शिविर बहुत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, अभी शाम का कार्यक्रम बाकी है और कल का कार्यक्रम बाकी, अभी समापन नहीं। अभी शिविर का समापन क्यों घोषित कर रहे, शिविर का समापन तब होगा। इस शिविर में बहुत सारे लोगों ने दीर्घ उपवास किए,
32 उपवास वाले शायद 4 है, 16 उपवास, 10 उपवास, 8, 5 और लगातार 3-3 उपवास वालों की तो गिनती नहीं। कल सभी तपस्वियों का आपको सामूहिक रूप से पारना तो यहाँ कर ही रहे धर्म प्रभावना समिति के द्वारा, पर उनका आपको सत्कार करना है कल प्रातःकाल, उनका अभिनंदन करना है। बहुत सारे लोगों से मैं कहूँगा कि वो पूरे 10 दिन तो रहते हैं और अनंत चतुर्दशी को ही भागते रहे, अनंत चतुर्दशी को तो निरारंभ बनाओ, आरंभ रहित। इस दिन मुझे कोई आरंभ नहीं, उस दिन आना जाना क्यों, कोई अर्जेंसी हो तो बात जुदी है। आप लोग टिकट ही उल्टी बना के लाते, अरे हो गया सुबह हो गया भागे, भागम भाग क्यों, इस दिन तो और निराकुल होना चाहिए, कोई आवागमन नहीं, अपनी स्थिरता रखनी चाहिए, उसका लाभ आप सबको लेना है। और आज दोपहर में तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय और उसकी व्याख्या और उसके उपरांत महाशांति धारा आज 1400 पूर्णमासी एक साथ हो गए, तो ये बड़ी शांति धारा 55 मिनट की होगी, आप सब मन बना करके उसके लिए आएंगे और उसका लाभ लेंगे शाम को शंका समाधान। पर बंधुओं, इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में जिनने रात दिन एक की है उनके लिए आप लोगों को कृतज्ञता देना तो बनता ही है। वे कार्यकर्ता वे नहीं जो मंच पे दिख रहे हैं, ये तो मंच वाले, असली कार्यकर्ता वो हैं जो बेचारे एक भी कार्यक्रम नहीं देख पा रहे, कहीं नहीं अभी वो आपकी थालियां सजा रहे हों। एक बार उन सब के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए, चाहे वो भोजन व्यवस्था वाले हो, चाहे आपके आवास व्यवस्था वाले हो, चाहे आपके आवागमन की सुविधा वाले हो, चाहे आपके पूजन की थाल लगाने वाले हो, चाहे आपके पंडाल की व्यवस्था करने वाले हो, चाहे आपके लिए माइक देने वाले हो, चाहे आपकी शक्ल पूरी दुनिया को दिखाने वाले चैनल वाले लोग, जोरदार अभिनंदन कर दी एक एक कार्यकर्ता। हो गया, ये रिकग्निशन होना चाहिए और बाकी तो उल्लेख सबका होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से मैं कहता हूँ अभी तुम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, अभी चाहिए तो मुक्ति मिल जाएगी, बोलो, अभी तो आधा हुआ है, अभी चौमासा बाकी है और असली फिल्म तो विधान में होगा, उसके लिए अभी से जुड़ जाइए, उत्साह के साथ जुड़ जाइए। और इस बार के शिविर में मुन्ना भाई ने बहुत रस घोला, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। और ब्रह्मचारी अशोक भैया तो हमेशा शिविर में रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों की जोड़ी ने 4 चांद लगा दिया, अभय और अशोक ने, और एक लंबे अंतराल के बाद विमल जी भी साथ में और अमित भी, पूरी टीम जो बहुत कठिनाई से होती है, बहुत अच्छा स्वरूप बना है, हम सबको इन सब का भी जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इस बार अशोक जी परिवार सहित सुशीला जी के साथ आए, ये अक्सर गुरु जी के पास रहते थे, इस बार यहाँ आकर के कह रहे थे महाराज बहुत आनंद आया, अशोक जी को भी मजबूरी में जाना पड़ा, मन तो उनका यही है, इनके आने से भी इस शिविर में 4 चांद लगे हैं, इसलिए इनका भी अभिनंदन होना चाहिए। और एक दिनेश भाई जो बहुत प्राणपन से हर साल महाराज के शिविर के संयोजक रहते थे, हमने कहा ये संयोजक तो है ही, बिना संयोजक के संयोजक मुंबई से सब काम छोड़कर यहाँ कितनी तत्परता से लगे हैं, एक बार उनका भी अभिनंदन। और एक बार आप सब लोग अपना अभिनंदन कर लो, है ना, सबका। बाकी जो रहे सहे, चाहे प्रचार प्रसार और अन्य, सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। और बंधुओं,
इस पूरे के पूरे शिविर के और सारे कार्यक्रमों का जो श्रेय है ना, मेरे दोनों बाजू में दोनों हाथ है इनका, मेरा कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, ये लोग संभाल लेते हैं, है ना। और महाराज जी को तो देखते हो वन मैन आर्मी है, जबरदस्त स्टेमिना, एक आहार एक उपवास करने के बाद भी बैठ गए तो एकदम दुरंतो चलती है इनकी, बहुत अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरी टीम है, हमारे छुल्ला की लोग भी और हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी गण भी बहुत बहुत तत्परता के साथ सब कार्य को जुड़ते हैं। और धर्म भावना समिति, पूरी धर्म भावना समिति ने जिस तरह की उदारता और तत्परता का परिचय दिया है वो सराहनीय है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। अभी ज़्यादा प्रशंसा कर देंगे तो ये लोग फूल जाएंगे। और कहते जीर्ण मन्नम प्रशंसन्ति, गुरु जी ये कहते थे, ये श्लोक गुरु जी ने दिया, जीर्ण मन्नम प्रशंसन्ति भार्याम च गति यौवनाम सूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। नीति है कि भोजन की प्रशंसा कब करो, जब हजम हो जाए। बहुत बढ़िया खिलाया, माल बढ़िया खिलाया, अभी खाने के बाद जाना ना पड़े। पत्नी की प्रशंसा तब करो जब बुढ़ापा आ जाए, भार्याम च गति यौवनाम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सूरम विजित संग्रामम, सूर की प्रशंसा तब करो जब वो युद्ध जीत के आ जाए, पहले से हौसला अफजाई करना, परेशानी कि उसी में फूल जाए। और तपस्वी की प्रशंसा तब करो जब वो पार चला जाए, नहीं तो मझधार में आ जाए। ये नीति के वचन है और ये हमने गुरु मुख से ही सुना है, इसलिए मैं अभी आप लोगों की कोई प्रशंसा नहीं करूँगा। अभी तो आपको अपनी समीक्षा करनी है कि यहाँ हमको 10 में से 10 चाहिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि 9.9 पे अटकना पड़ा। तो हमें समीक्षा करनी है और जहाँ जो कमी रह गई, जहाँ कमी रह गई उस कमी को सुधार कर आगे पूरे में पूरा लेना है। और एक बात ध्यान रखना, एक अच्छे विद्यार्थी की एक ही कोशिश रहती है, मेरिट में आने की, ग्रेस लेके पास होने की नहीं। इसलिए हमें मेरिट में आना, आगे बढ़ाना है और सबको आगे बढ़ा करके काम करना है। आप लोगों के लिए इन पुजारियों ने कितनी मेहनत की, 3-3 बजे से आपकी सारी व्यवस्था करते हैं, तब आप लोग उनका अर्घ चढ़ाते हैं, एक बार उनका अभिनंदन करें। और ये पारस चैनल की पूरी टीम, जिनवानी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक की टीम, जिसने आपको पूरे दुनिया में फैलाया, इनका भी एक बार अभिनंदन कर दे। और सब तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए ये जो मागध देव का काम करने वाला संयंत्र है, एक बार अंबिया साउंड की पूरी टीम का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर अभी आपका विधान शेष है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग भाव भक्ति, और कोई रह गया हाँ, आज का नियम तो भी देना ही है, मुझे ध्यान है। अब आप सब खड़े हो जाएं और जो मैं संकल्प बोलता हूँ वो आप सबको दोहराना है, सभी को खड़े होना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कमरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मलजी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती ऋतिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष,
पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।